पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पापा है तो सही चाबी आपके पास। पापा सच को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहां वापस आओ। ऐसा क्या हुआ युविका? महाजन एम्पायर की विरासत से दूर नहीं रह पाई। मिस महाजन आप यहां? मैं वो विदुर अंकल से मिलने आई हूँ। अगर वो नहीं है घर पे तो मैं बाद में आ जाऊंगी। थैंक यू एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू मिस्टर भूत। एक सेकंड। मैं मिस्टर भूत कैसे? नहीं मतलब मेरी किस बात से डर लगा? मैं किसी बात से नहीं डरती। तुम ऋषिकेश में मुझे दोस्त बनाकर गायब हो गए थे तो इसीलिए मिस्टर भूत। और कल तुमने मुझे गोल्ड डिगर कहा है तो तुम्हारे लिए ना मिस्टर भूत ही सही है। चलो ठीक। ओके ओके मिस महाजन सब ठीक है मैं मान लेता हूँ। अब मिस्टर भूत के पापा थोड़ी देर में आने वाले हैं। अगर आप चाहें तो अंदर आके वेट कर सकते हैं। और इस बहाने आपको इस मिस्टर भूत के किचन में देखने को मिल जाएगी। हम कुकिंग ना तो आइए मिस महाजन मिस्टर भूत के किचन में आपका स्वागत है। अब भूतिया किचन में आए हो तो कुछ खाना तो ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी वेजिटेबल्स। तो ये है ब्लड खून। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेरा फेवरेट है हड्डी मसाला। और सबसे लास्ट में एक सीक्रेट फॉर्मूला शमशान की राख। हाँ सब कुछ डाल दिया गया है। हाँ। आज का स्पेशल आइटम भूतिया पास्ता। एक सेकेंड थोड़ा सा खून ट्राई करो। थैंक यू। नहीं 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 ट्राई तो कर। नहीं तुम्हारी बातों से लगा कि तुम महाजन से ना बहुत नफरत करते हो। सो आई एम श्योर पास्ता में भी जहर होगा। एक सेकंड तुम्हें कैसे पता चला? योगा देखो मेरी ना कई सालों की प्लानिंग है। प्लीज चौपट मत करना। अभी ना ये पास्ता पैक होगा सीधा महाजन्स के आ जाएगा। आज रात महाजन्स ये पास्ता खाएंगे जिसमें थोड़ा जहर मिला होगा और वो लोग कैसा लगा? तुम महाजन से इतनी नफरत क्यों करते हो? या फिर जो मिराया ने कहा वो सही कहा कि तुम क्रेजी हो पागल। वैसे तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही हो। वो मेरा ही घर है मैं ही जाऊंगा। वेट करो। हाउ इज द डे? डिनर में क्या है? युविका बेटा सॉरी अंकल आपको बिना बताए आ गई। एक्चुअली मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। वेलकम बेटा आओ।
पापा आई थिंक पहले खाना खा लेना चाहिए आपको, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मुझे पान वाला आइसक्रीम खिला देना। वो भी ला रहा हूँ। बैठ बैठ बैठ। एक्चुअली अंकल। हाँ बोलो बेटा। आज ना मैं शाम को। बेटा युविका के लिए लो बेटा। पापा मैंने ऑफर तो किया था इन्हें, पर इन्हें लगता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया। नहीं नहीं अंकल, ये कुछ भी बकवास कर रहा है। अंकल आप ना पहले इसे किसी साइकाट्रिस्ट से मिलवाइए। एक मिनट, तुम लोग पहली बार यहां मिले? नो लेट मी गेस, शायद तुम लोग इससे पहले भी मिल चुके हो। जी अंकल, हम लोग पहले एक्चुअली ऋषिकेश में एक ट्रैकिंग ट्रिप पे मिले थे। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ बोलो बेटा, तुम कुछ कह रहे थे। वो अंकल एक्चुअली आज मैं शाम को दादा बाबू से मिली। अच्छा, लेकिन दादी ने मना कर दिया। देखो बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा समझ सकता हूं, और ये अच्छी बात है कि तुम जॉब करना चाहती हो, अप्रिशिएट। पर बेटा महाजंस ने आज तक अपनी परंपरा किसी के लिए भी नहीं बदली। बेटा उस घर में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दादा बाबू, अगर इस बारे में कोई कुछ कर सकता है तो दादा बाबू ही है, और उनके भी तो हाथ बंधे हुए हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, मेरा फोन आ गया। हेलो, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अब खा लेना चाहिए, तुम्हारे पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आ रही हैं। और इस प्लेट के साथ ना एक एडवाइस भी फ्री है, अगर कहो तो दूं। बदलाव ना अपने आप नहीं आते, बदलाव अक्सर लाए जाते। कितना अच्छा बना है। पसंद आया? तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा? जब इंसान को भूख लगी और सामने से खाना बना के कोई परोसने वाला ना हो तो खाना बनाना खुद ही सीखना पड़ता है। अब मम्मा के जाने के बाद पापा ने काफी दिन मेरे लिए खाना बनाया, फिर एक दिन मुझे भी शर्म आ गई कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब। बस बंदे ने खाना बनाना सीख लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा जल्दी सीखना पड़ेगा। मतलब ये ही होगा महाजन, जब किसी टेबल पर आपको जगह ना मिले ना तो आपको अपनी टेबल खुद बनानी चाहिए। मतलब तुम जो करना चाहते हो ना लाइफ में, उसके लिए किसी और की हेल्प का इंतजार मत करो कि कोई कुछ करेगा तो ही कुछ करने वाले। जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।